मथुरा में घूमने जाएं तो चखना ना भूलें यहाँ के जायके। मथुरा में घूमने जाएं तो चखना ना भूलें यहाँ के जायके। ट्रिप का मजा और भी दुगुना हो जाता है जब आप खाने पीने के शौकीन होते हैं। सोचिए आप घूमते घूमते उस जगह की स्पेशल डिश भी चखकर एक नए तरह का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आज हम आपको मथुरा के खास जायकों के बारे में बता रहे हैं। अगर आप कभी मथुरा जाएं, तो यहाँ के जायकों को चखना ना भूलें। इन जायकों का स्वाद अपनी ट्रिप को और भी मजेदार बना देगा। आप चाहे मथुरा कभी न गए हो, लेकिन आपने मथुरा के पेड़ों के बारे कभी न कभी जरूर सुना होगा। मथुरा के पेड़े पूरे देश में मशहूर है। आप खाने के बाद पेड़े का मजा ले सकते हैं। आलू को मसालेदार ग्रेवी में डुबोकर चटनी और दही के साथ परोसा जाता है। ग्रेवी काली मिर्च, मिर्च, अदरक, अमचूर, प्याज और मौसमी सब्जियों को मिलाकर बनाई जाती है। वैसे तो घेवर एक राजस्थानी डिश है, लेकिन आप मथुरा में घेवर की कई वैरायटी चख सकते हैं। आप अगर घर वालों के लिए कुछ स्पेशल ले जानना चाहते हैं, तो घेवर एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। ठंडाई शिवरात्रि और होली पर खास तौर पर पी जाती है, लेकिन अगर आपका मन बिना तीज त्योहार के ठंडाई पीने का कर रहा है, तो आप मथुरा की स्पेशल ठंडाई का मजा चख सकते हैं। मीठे और तीखे का मजा एक साथ। देश के कई इलाकों में जलेबी को दूध और दही के साथ खाने का रिवाज है, लेकिन मथुरा में जलेबी को कचौड़ी के साथ खाया जाता है। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं, तो रसमलाई के अलग अलग फ्लेवर का मजा मथुरा में ले सकते हैं। मथुरा सभी महानगरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप मथुरा रेलवे स्टेशन बस या ट्रेन से पहुंच सकते हैं। आप जनवरी से अप्रैल के बीच मथुरा घूम सकते हैं। अक्टूबर से नवंबर का महीना भी यहां घूमने के लिए ठीक है।